हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो ना इजी पैसा की ऐप में प्रोफाइल पिक्चर कैसे डिलीट करोगे। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यार हमारा चैनल नया है और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करते पहले तो आपको मैं समझाता हूँ कि भाई आपने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई आप जो ना इजी पैसा की ऐप में से अपनी प्रोफाइल डिलीट करें। दोस्तों आपको बता दूं कि भाई इजी पैसा की ऐप में से आप प्रोफाइल पिक्चर डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे लेकिन वो सारे फेक है, ठीक है, वो सारा झूठ है। आपको बता दूं कि आप जो ना सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो। और आपको बता दूं जिसका नया इजी पैसा का अकाउंट है उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी होती तो इसलिए उनकी प्रोफाइल पिक्चर जो ना लगी नहीं होती, शो ही नहीं हो रही होती। तो फिर आप जब लगाओगे प्रोफाइल पिक्चर और उसके बाद जब आप उसके बाद आप चेंज ही कर सकते हो, उसके बाद आप चाहते हो कि यार बिल्कुल हटा ही दूँ तो आप हटा नहीं सकते हो, बिल्कुल आप जो ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी आपको आज चेंज करके बताऊंगा, ठीक है, और आपको आगे लेके चलता हूं कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रोफाइल पिक्चर हटाने का, ठीक है। तो मैं अपनी इजी पैसा की ऐप को ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों ने भी ओपन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मेरी प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। इसके ऊपर आप यहाँ साइड में एडिट देख सकते हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप ऊपर साइड में देख सकते हो 3 डॉट आ चुके हैं, ठीक है। इस 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई पिक्चर डिलीट नहीं हो सकती है, ठीक है, आप जो ना चेंज ही कर सकते हो, ठीक है। डिलीट नहीं होगी भाई, चेंज ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी आपको चेंज करके बता देता हूँ कि आपने चेंज किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम, टैग पिक्चर और कैंसल, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम पे आप जब क्लिक करोगे तो यार आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। टैग पिक्चर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यार आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ अपनी गैलरी से कोई पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने अपनी गैलरी में से एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। इस पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ एक गोल जैसा निशान देख सकते हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहां देख सकते हो अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आप यहां देख सकते हो नो और कंफर्म आ चुका है। और यहां आपको ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना कितना साइज़ रखना चाहते हो, ठीक है। पिक्चर का अब आपकी मर्जी है, जितना आप साइज़ रखना चाहते हो उससे आप जो है ना छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप यहाँ देख सकते हो गोल गोल डब्बे आप देख सकते हो, चारों तरफ आपने अपनी मर्ज़ी से जो ना पिक्चर को आप छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर लें, ठीक है। बड़ा रखना चाहते हो तो बड़ा रख लें, ठीक है। अब आप आखिरी स्टेप रह चुका है, ठीक है। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर पर ये पिक्चर सेलेक्ट लग जाएगी, ठीक है। तो अब मैं जो है कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मेरे प्रोफाइल पिक्चर पर मेरी ये वाली पिक्चर लग चुकी है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बैक भी लेके चलता हूँ और आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ कि भाई मेरी जो ना प्रोफाइल फ़ोटो जो ना वो मेरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैंने आपको बैक करके भी दिखा दिया कि यार मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल इजी सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है चेंज करना प्रोफाइल फ़ोटो को। लेकिन यार आपको बता दूँ यार डिलीट नहीं होती ये पिक्चर, आप चेंज कर सकते हो, डिलीट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कोई भी मसला आपको आए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।